अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है वेज सैंडविच। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बॉल ली हूँ। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स कट करके ऐड कर लेंगे। वन मीडियम साइज के टोमेटो चॉप करके हम ऐड कर लेंगे। थोड़े से कैरेट ऐड कर लेंगे चॉप करके। वन मीडियम साइज के ओनियन कट करके ऐड कर लेंगे। थोड़े से कैप्सिकम ऐड कर लेंगे। थोड़े से कैबेज ऐड कर लेंगे और थोड़े से कुकुम्बर ऐड कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टेबल स्पून हम ऑरिगैनो ऐड कर लेंगे। अब हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम 3 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। हम थोड़े से कोरिएंडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पुदीना। 6 to 7 ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। गार्लिक। अब हम थोड़ा सा सेंग दाना ऐड कर लेंगे। इसे रोस्ट करके हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट और थोड़ा सा वाटर ऐड करके हम पेस्ट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पेस्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर हाफ लेमन जूस ऐड कर लेंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे। हम ब्रेड पे बटर लगा लेंगे। यहाँ मैंने एक स्लाइसेस में लगा लिया। अब दूसरे स्लाइस में भी हम इसी तरह से लगा लेंगे बटर। यह हमने 2 स्लाइसेस में लगा लिए हैं। अब हम इस तरह से रख देंगे। जो हमने पेस्ट रेडी किए थे वन साइड हम उस पेस्ट को लगा लेंगे। यह हमने अच्छे से लगा लिए। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब इस बटर साइड को हम टर्न करके यहाँ टोमेटो केचप लगा लेंगे। अब हमने जो वेजिटेबल्स हैं हमने बनाए थे इसे वन स्लाइस पे हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस स्लाइस को इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को कर लेते हैं। हम ऑन कर लेते हैं। हमने यहाँ मशीन में रख लिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमारी वेज सैंडविच रेडी है, आप देख सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।